नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम प्रभु श्री कृष्ण जी की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, इसे सुनने के बाद आपका प्रभु के प्रति प्रेम और आस्था बढ़ जाएगी। तो आइए बिना समय गवाए हम अपनी आज की नई वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी श्री कृष्ण जी और एक कुम्हार की है, तो आइए जानते हैं। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आकर एक छड़ी लेकर प्रभु श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ पड़ी। जब प्रभु ने अपनी ओर मैया को आते देखा तो वह डर गए और अपने बचाव में वहां से भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुंच गए। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को देखा वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण जी साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया मुझे छड़ी से मारने के लिए आ रही हैं। आप मुझे कहीं छुपा लीजिए। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में यशोदा मैया वहां आ गई और कुम्हार से कहने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण जी यह सब बातें घड़े में बैठे बैठे सुन रहे थे और मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण जी कुम्हार से कहने लगे, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो आप मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दीजिए। कुम्हार कहने लगा, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करा दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तब जाकर मैं आपको बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहने लगे, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, कहना क्या चाहता है? कुम्हार कहने लगे, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर वहाँ से आई है। मेरे इन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा रह गई है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस बात को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस एक वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण जी को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में लेट कर प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया और अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचें, जो बाल श्री कृष्ण जी 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वह एक छोटा सा घड़ा नहीं उठा सकते? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक उसके मन में प्रभु के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु भी उसके लिए सामने नहीं आएंगे। और कुम्हार के मन में प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत प्रेम था, जिसे देखकर प्रभु श्री कृष्ण जी गदगद हो गए और उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।